Alaikum. I am Sumbul Zahra from Sir Syed Government Girls College with the support and guidance of our Principal Professor Khalda Parveen. Today I am going to deliver a lecture on Ampere's Law and its application. But before coming to topic, I will strongly recommend all students to kindly subscribe this YouTube channel. Today we will discuss Ampere's Law and its two applications. फील्ड ड्यू टू आर करंट कैरिंग सोलोनाइट एंडलोइिंग टू अवर टॉपिक विच इज एम्पिय लॉ साइंटिस्ट का नाम है जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए करंट कैरिंग कंडक्टर और उसकी अराउंड प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो इसने इन एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला जिसे हम एम्पिय लॉ की फॉर्म में स्टडी करते हैं एम्पियर्स लॉ की इंपॉर्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि गॉज़ेस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम गॉज़ेस लॉ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो आइए ड्राइव करते हैं एम्पियर्स लॉ के लिए हम एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे जिसमें से करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और उसकी अराउंड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ वायर एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं जिसे हम एम्पीरियन लूप कहेंगे अगर हम इस एम्पीरियन लूप को एन नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करते हैं तो जिसमें हर पैच के हर पैच की लेंथ की वैल्यू डेल्टा एल के इक्वल होगी तो अकॉर्डिंग टू एम्पियस लॉ बी डॉट डेल एल इक्वल्स टू बी डेल एल कॉस ऑफ थीटा तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बी का पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर होती है नेचर में देट कैन बी फाइंड बाई द राइट हैंड रूल अगर हम करंट की डायरेक्शन में थम को प्लेस करें तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती हैं तो हमारे इस में केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है तो हम हर लेंथ एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फ़ील्ड की डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई करें तो यहाँ पर जो लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल का हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर अगर ये अगर हम तमाम सर्कुलर पाथ्स को एन नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करते हैं तो हर पैच के लिए बी डॉट डेल एल टू बी डेल एल कॉस थीटा और इसका समप कर लेते हैं सो बी डॉट डेल एल वन प्लस बी डॉट डेल एल टू प्लस बी डॉट डेल एल थ्री सो ऑन अप टू बी डॉट डेल एल अप अपू एन इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट म्यू नॉट इक्वल्स टू परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेंट पावर माइनस सेवन वेबर पर एम्पेयर मीटर वॉट इज़ परमेबिलिटी ऑफ़ फ्री स्पेस ये ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर के अंदर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सर नॉट कि कोई मीडियम कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को उसमें से पास करने के लिए यहाँ म्यू नॉट जो बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास हो रही हैं सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ सम एलिमेंट

द स्टेटमेंट ऑफ़ एम्पियर्स लॉ जिसे हम एम्पियर्स सर्कुटल लॉ भी कह सकते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इंटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ़ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ अप कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ विच इज फर्स्ट वन इज फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलोनॉइट इस टॉपिक में हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइट स्टार्ट करते हैं एक सोलोनाइड क्या है अ सोलोनाइड इज अ लॉन्ग टाइटली वोन्ड सिलेंडिकल कॉयल ऑफ वायर व्हेन करंट पासिस थ्रू सच अ कॉयल इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एक वायर को हमने सर्कुलर फॉर्म में जो है वून कर दिया है और अगर इसमें से करंट पास किया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वही है जैसे कि बार मैग्नेट का होता है अगर बार मैग्नेट में में हमें पता है कि उसका नॉर्थ पोल कौन सा है उसका साउथ पोल कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलेंगी और कहाँ पे जाएंगी सोलोनाइट में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम सोलोनॉइड को अपने राइट right हैंड में इस तरह पकड़ेंगे कि फिंगर्स सर्कुलेट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि फ्लो कर रहा है सिलेंडिकल क्वल के अंदर और थम शो कर रहा है नॉर्थ पोल को और हमें पता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और अगर थम नॉर्थ पोल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो दूसरा साइड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर होती हैं अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को गौर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द सोलनाइड पैरेलल हैं मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलोनाइड यूनिफॉर्म हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर हैं एज़ कंपेयर टू आउटसाइड द फील्ड और हम पता और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है अगर हम ये कम, अगर हम कंपैरिजन करें फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलोनाइड तो हम आउटसाइड मैग्नेटिक फ़ील्ड स्ट्रेंथ जीरो कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत इंटेंस है एज़ कंपेयर टू आउटसाइड बाय कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड हम इनसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करते हैं अगर आपको याद हो जब हम एम्पियस लॉ को स्टडी कर रहे थे कि हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड तो हम यहाँ एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सोलोनाइड अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ वी हैव दिस सोलोनाइड को नाउ कंसीडर दिस सोलोनाइड इन विच करेंट इज फ्लोइंग एंड वी हैव टू कंसिडर एन एम्पीरियन लूप और एम्पीरियन पाथ जिसे हम एज अ रेक्टेंगल कंसिडर कर लेते हैं जिसकी एक साइड एल वन कंसिडर कर लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एंड अदर साइड एल टू विच इज़ बी सी एंड एल थ्री विच इज़ आउटसाइड द सोलोनाइट विच इज सी डी एंड डी ए विच इज़ एल फोर कंसिडर कर लेते हैं एक एम्पीरियन पाथ बन जाता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ए से अब हम इस एम्पीरियन पाथ पे एम्पीयर्स लॉ अप्लाई करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ समीशन आई इक्व टू वन टू फोर बिकॉज वी हैव फोर साइड ऑफ अ एम्पीरियन लूप इनटू बी डॉट डेल एल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज बाय द एम्पीरियन पाथ नाउ वी एक्सपेंड फॉर ईच लेंथ एलिमेंट B dot del L1 plus B dot del L2 plus B dot del L3 plus B dot del L4 equals to mu naught into current enclosed by this amperian path. So we will take out individual uh, B dot del L for each path for each path element and then we put in, in this equation b dot del l 1 equals to bl 1 cos of 0 degree because direction of magnetic field and this length element del l which we call l 1 is in the same direction so we are taking angle 0 degree so cos 0 1 so b dot del l equals to bl 1 now b dot del l 2 so, B dot B L2 cos 90 because angle between B and L2 is 90 degrees. So, B dot del L2 equals to 0 because cos 90 is 0. Now, coming to B dot del L3, which is outside the magnetic field, so B equals to 0, so everything will be 0. B dot del L3 equals to 0, and same for B dot del L4, which is also angle 90 degrees. So, B dot del L4 equals to 0. ज़ीरो मीन्स यूनिट लेंथ एल में एन नंबर ऑफ़ टर्न्स है तो हमारे एम्पीरियन पाथ कितना है ए बी तक तो एल वन में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल टर्न विच इज़ एन इन टू एल वन बिकॉज हमारा एल वन हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि हमारे पास सिर्फ एम्पीरियन पाथ हमारा एल वन के इक्वल है सो एन एल वन इक्वल टू सरफेस रेक्टेंगुलर बाई इंटरसेप्टेड विच इज़ द एम्पीरियन पाथ एंड आई इज़ द करंट थ्रू ईच टर्न्स इन द सोलोनॉइड सो टोटल करंट इलोज बाय द एम्पीरियन पाथ क्या बन जाएगा आई इंटू एन एल वन सो पुट दिस वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन द इक्वेशन सो बी एल वन इक्वस टू म्यू नॉट इंटू एन एल वन इंटू आई सो एल वन से एल वन आपके पास कैंसिल तो बी इक्वस टू म्यू नॉट एन इंटू आई विच इज़ द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोलोनाइट कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियस लॉ विच इज टोरॉइड अगर टोराडल सोलोनाइट से अगर करंट पास हो तो इस टोराडल सोलोनाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो उसके लिए हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोरोडल सोलोनाइट होता क्या है अगर हम स्ट्रेट सोलोनाइट जो कि हमने लास्ट एप्लीकेशन में कंसिडर किया है उसको सर्कुलर मोड़ दें तो यह हो जाएगा बन जाएगा आपका टोरॉयडल सोलोनाइट तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम उसके उसके अंदर करंट पास कराना होगा और करंट पास कराने के लिए इस टोरॉडल सोलोनाइट को हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा करने से इस सोर्स में से जो करंट पास होगा वो है आई इस सोलोनाइड से लेफ्ट से लेफ्ट लेफ़्टन से एंटर होगा और राइट right एंड से बाहर आ जाएगा फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड वी यूज़ एम्पियर्स लॉ सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ मैगनी मैग्नेटिक फ़ील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल ये होता है जिस मीडियम में इस सोलोनाइड को हमने रखा है या पूरे सिस्टम को हमने रखा है इस मीडियम का एप्सल्यूट परमिएबिलिटी हमने माना अगर एयर में रखा है तो एयर का परमिएबिलिटी ऑफ़ एयर का परमिएबलिटी फ्री स्पेस की परमिबलिटी के परमिएबलिटी के बराबर होता है तो हम यहाँ मानेंगे एब्सलूट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू टोटल करंट विच इज़ क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू बी डॉट डी एल टू म्यू नॉट आई आई इज़ नॉट एन इफेक्टिव करंट ये इफेक्टिव करंट कितना होगा ये निकालना होगा इफेक्टिव करंट डिपेंड करेगा कि हम क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं और हमें एम्पिय लॉ अप्लाई करने के लिए जो क्लोज एम्पीरियन लूप कंसिडर ऐसा करना होगा जो इस टोराइड के टोटल करंट कितना पास हो रहा है वो बताए तो इस क्लोज लूप में से कितना करंट पास हो रहा है आई इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दिस स्टोरॉयड सो इस स्टोरॉयड में हमें से हमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज़ टोटल टर्न्स आपके पास इक्वल किसके होंगी एन इन लेंथ ऑफ दिस टोरॉइड इस Solo, इस स्टोराइड का टोटल लेंथ कितना होगा इसका टोटल लेंथ पता करने के लिए हमें यह पता करना होगा कि इस सर्कल का रेडियस कितना है इसका रेडियस अगर हमारे पास आर है तो इस सर्कल की इस स्टोरॉइड की जो लेंथ है वो आपके पास टोटल लेंथ इक्वल टू सर्कम्फेरेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज़ टू पाई आर सो टोटल लेंथ ऑफ दिस स्टोरॉयडल सोलोनाइड विच इज इक्वल टू टू पाई आर एन विच इज़ टोटल टर्न्स सो टोटल टर्न्स आपके पास क्या आ गई एन इंटू टू पाई आर सो आपके पास इफेक्टिव करंट जो है वो कितना हो गया इफेक्टिव करंट बना आई इंटू टू पाई आर इंटू एन सो अब आप इस इफेक्टिव करंट को अगर आप एम्पियस लॉ की इक्वेशन के अंदर रख दें विच इज क्या बन जाएगी आपके पास म्यू नॉट इंटू टू पाई आर एन इंटू आई सो दिस इज इक्वेशन वन अब आप इसकी एम्पियस लॉ की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप ले लीजिए सो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल आएगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल अब आपके पास एंगल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट डेल एल के दरमियान है ज़ीरो डिग्री क्योंकि इन दोनों की सेम डायरेक्शन है सो so, आपके पास क्या हो जाएगा कॉस जीरो वन सो आपके पास क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल आएगा बी डी एल अब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम होता है जो कि कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रल से बाहर निकाल दीजिए तो बी डॉट डी एल इक्व टू बी क्लोज इंटीग्रल dl एल डी एल विच इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू पाई आर तो इस एक टोरोडल सोलिनॉइड जिससे करंट पास हो रहा है i और जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये है n इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है B इकस टू म्यू नॉट एन आई विच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द टोरोडल सोलनोनाइड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच